भाई जी गुड मॉर्निंग सभी तक। तो मैं हो चुका था रेडी, तो रेडी होकर के नहा धोकर के कैथल बस स्टैंड पे आया हुआ था अपनी दुआ वाले लड़के को छोड़ने के लिए। उसको गांव में जाना अपने बात था, और गांव के प्लाट पे मिस्त्री लगे हुए हैं, उसको मिस्त्रियों के पास रहना है, थोड़ा प्लाट में देखभाल करनी है। और मैं आपको हमारे कैथल का न्यू बस स्टैंड दिखाता हूँ। देखिए भाई जी, हमारे कैथल का न्यू बस स्टैंड बहुत ही बढ़िया बस स्टैंड है, अच्छा बस स्टैंड है, बड़ा भी है बहुत। तो ये हमारे कैथल का न्यू बस स्टैंड है चारों तरफ से, देखिए पूरा बड़ा बस स्टैंड है। तो मैं आपको, अब मैं जा रहा हूँ घर, तो मैं आपको मिलूँ। हेलो गाइस, तो अब मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर पे, और मैं अब रेडी हो चुका हूँ सेंटर के लिए। तो जैसा कि मैं अपनी मेरे बुआ वाले लड़के को बस स्टैंड पे छोड़ के आया था, इसको गांव में जाना था, गांव के प्लाट पे मिस्त्री लगे हुए हैं, उनके पास रहना था, कोई जैसे सामान वगैरह लेके आना पड़ता ना, इसलिए उनके पास रहना पड़ता था। तो मैंने अपने रूम में से कुछ मनी वगैरह उठाई है मेरी, तो क्योंकि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कहीं पे भी जाते हैं जब, तो क्या पता पैसों की कहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए। तो अब मैं सेंटर के लिए रेडी हो गया हूँ, अब मैं सेंटर पर जा रहा हूँ, और मिलते हैं आपको सिग्मा सेंटर पे। तो अभी 10 बजे में पहुँच जाऊँगा, अभी अभी सेंटर पर पहुँच चुका हूँ। अभी टीचर नहीं आए, तो जस्ट अभी अभी अपने सेंटर पर पहुँच। तो गाइस ये है अपना सेंटर, और इतने बच्चे यहाँ पर है, बहुत ही बच्चे यहाँ पे कोचिंग लेते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, मैं आया था 2 बजे आया था, सेंटर की छुट्टी होने के बाद मैं अपने घर पे आ गया हूँ, थोड़ा काम काज वगैरह करके, मतलब जो भी शहर में कोई काम वगैरह था, हमें मुझे कोई काम वगैरह था जो भी था शहर में, वो कंप्लीट करके मैं आ चुका हूँ, अब मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, ठीक है। और तो अब मैं अपने रूम में बैठ गया हूँ, तो यहाँ पर अब मैं पढ़ाई करूँगा, तो उसके बाद मैं शाम को थोड़ा वॉकिंग पे जाऊँगा, तो उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में।